गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वी आर ऑन सेम प्लेस इन थर्ड लेक्चर. दिस इज बेस्ड ऑन पीडीएफ फाइल विच आई सेंट यू ऑन डेटेड 10th ऑफ दिस मंथ. चैप्टर 1 वॉज डिस्कस इन दिस पीडीएफ फाइल, द सेम चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड टॉपिक. Third topic was there. This was tournament. So I'll discuss this in a very short time. आपने इसको read कर लिया होगा. So first of all, what is tournament? What is tournament? And then types of or objectives of tournament. This is the main theme of this topic. What is tournament? Tournament वैसे ही है जैसे कंपटीशन होता है. कल्चरल कंपटीशन आपने देखा होगा, जैसे आपके एग्जाम होते हैं वैसे ही टूर्नामेंट है. दूसरे सब्जेक्ट में आपके एग्जाम होते हैं वैसे टूर्नामेंट भी स्पोर्ट्समैन के लिए एक एग्जाम है. टूर्नामेंट में कई टीमें पार्टिसिपेट करती हैं. टूर्नामेंट में टीमें आपस में खेलती हैं एज पर डिसाइडेड बाई द अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट टूर्नामेंट. और टूर्नामेंट में हमें क्या मिलता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टूर्नामेंट हमें या तो विनर और रनर हमें मिल जाते हैं प्लेयर्स के, या फिर हमें एक रैंक मिल जाता है. जितनी टीम पार्टिसिपेट करती है या प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं उनका रैंक मिल जाता है कि जो ये पर्टिकुलर प्लेयर है इस रैंक पर है, ये इस रैंक पर स्टैंड करता है, ये इस रैंक पर स्टैंड करता है, ये सारी चीज़ों का मिल जाता है. ये कैसे? ये एज पर द यू कैन से दैट सिस्टम और टाइप ऑफ टूर्नामेंट डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजर. ये टूर्नामेंट का है. टूर्नामेंट क्या है? जिसमें अलग अलग टीमें या प्लेयर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट प्रोग्राम, डेफिनेट फिक्सचर, वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, एक दूसरे के साथ खेलती है एज पर डिसाइड रूल्स डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एनी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, और उसके अकॉर्डिंग खेलती है. और टूर्नामेंट के बाद हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर विनर है, कौन सा रनर है, कौन सा किस पोजिशन पे है. नंबर एक. नंबर दो, हमें ये पता लग जाता है कि बेस्ट प्लेयर ओवरऑल कौन है, और हमें ये पता लग जाता है कि रैंकिंग ऑर्डर क्या है उस टूर्नामेंट का. वो सारी चीजें हमें पता लग जाती है. तो टूर्नामेंट ये है इसका. अब दूसरी चीज आती है कि जो टूर्नामेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. टूर्नामेंट अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है. स्कूल लेवल पर भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. इंटर क्लास है, इंटर हाउस टूर्नामेंट है, इंटरम्यूरल जिसको कह देते हैं, या इंट्रा मुराल कह देते हैं, या इंटर मुराल कह देते हैं. और दूसरा, जोनल लेवल पर किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जा सकता है, स्टेट लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. जैसे ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है. आप देखोगे कि आप अलग अलग न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि आज ये टूर्नामेंट में ये प्लेयर विनर हुआ है, या इसकी रैंक ये हो गई है, या ये टीम इस रैंक पर पहुंच गई. ये सारे के सारे कैसे पता लगता है? This information we get on the basis of any kind of particular tournament. These are ranking tournament, championship tournament, champions tournament. There are so many types of tournament. Then comes objective of tournament. What are the objectives of tournament? There are few objectives of tournament. These are first one is, you can say that, to find out the best team. कौन सी टीम हमारे पास जो पार्टिसिपेट कर रही है उसमें कौन सी टीम या प्लेयर बेस्ट है. प्लेयर कैसे? अगर वो इंडिविजुअल इवेंट है तो प्लेयर का ही पता लगेगा, अगर टीम गेम है तो उसमें टीम का पता लग जाएगा. दूसरा है, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू स्पोर्ट्स पर्सन टू शो देयर टैलेंट. टूर्नामेंट क्या है? किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां वो अपने टैलेंट को शो कर सकता है. और साथ में दूसरी चीज है, वो प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशनल उसका मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंट है. उस प्लेयर किसी भी टूर्नामेंट में ऑडियंस के सामने अपने आप टैलेंट को परफॉर्म करने के बाद मोटिवेट फील करता है, सो दैट ही कैन गो फर्दर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. उसके बाद है, टू इम्प्रूव द
कंपेनियनशिप बिटवीन द स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में जो एक हारमोनियस रिलेशनशिप है वो डेवलप करता है। आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल या दूसरे हम स्ट्रेटजिक लेवल पे या किसी भी तरीके से दो कंट्री या दो उनके बीच में जो रिलेशन है वो चाहे कितने कैसे ही हो, चाहे डिप्लोमेटिक कंडीशन जो रिलेशन है, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है तो सभी प्लेयर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सो इट्स ए प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपेनियनशिप। एंड देन नेक्स्ट वन इज दैट इज टू नर्चर फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड फर्टिलिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टीम्स। उनके जो अलग अलग टीम है, अलग अलग कास्ट, क्रीड, अलग अलग कलर, अलग अलग रेस के प्लेयर किसी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में एक फ्रेंडली यू कैन से दैट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। टू लर्न न्यू स्किल्स, टेक्निक्स एंड स्टाइल। दूसरे जो कंट्रीज के प्लेयर हैं आपस में वो खेलते हैं तो नई नई टेक्निक्स और नए नए स्किल क्या है वो आपस में सीखते हैं और अपने आप यूज करते हैं, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर फॉर नेक्स्ट लेवल। आपने मान लो कोई टूर्नामेंट कराया, उस टूर्नामेंट के में परफॉर्मेंस के बेस पर आप टीम या प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो अगले लेवल के लिए। वो भी टूर्नामेंट एक साधन हो सकता है इस तरह की सिलेक्शन के लिए। यू कैन से दैट सिलेक्शन ऑफ प्लेयर टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। लोगों को जो ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनको एक सोर्स है उनका रिक्रिएशन का। आप देख लीजिए क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, लॉन टेनिस के मैच है, वो प्लेयर्स को एक रिक्रिएशन का सोर्स है उनका। उनका जो टाइम है, लीजर टाइम है, उनको यूजफुल करने का, यूज करने का टाइम है। टू हेल्प प्रोपगेट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टू डेवलप इंटीग्रेशन एंड हारमोनी एट वेरियस लेवल्स, टू डेवलप सोशल आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेयर। जो समाज के अंदर जो को एग्जिस्टेंस, क्वालिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस है, वो जो स्पोर्ट्समैन में वो डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन। देन है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कितनी तरह के टूर्नामेंट है वो उसके अंदर है। उसमें टूर्नामेंट है दैट इज, फर्स्ट वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलिमिनेशन टूर्नामेंट। ए टीम वॉज डिफीटेड दैट इज इलिमिनेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट एंड द विनर टीम एंटर इन द नेक्स्ट राउंड। दिस इज इलिमिनेशन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में जो ग्रुप है या जो टीम है पार्टिसिपेट कर रही है वो अपने ग्रुप की हर टीम के साथ खेलती है, चाहे वो हारे या जीते इसमें वो पार्टिसिपेट करती है। इसमें पॉइंट मिलते हैं, जीतने पर कुछ पॉइंट मिलते हैं, हारने पर 0 पॉइंट मिलते हैं, और ड्रॉ हो जाता है तो उसमें हाफ हाफ बराबर बराबर दोनों टीमों को पॉइंट दिए जाते हैं। और टूर्नामेंट के जो एंड में है उन पॉइंट्स को और दूसरे सिस्टम है आगे हम डिस्कस करेंगे, दूसरे मेथड है, उनको यूज करके टूर्नामेंट के जो रनर और विनर डिसाइड किए जाते हैं। देन है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, टू गिव ए चांस टू इक्वली इलिमिनेटेड टीम्स। मतलब जो टूर्नामेंट में जो बाहर हो गई टीमें पहले ही राउंड में या दूसरे राउंड में, उनका अलग से कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कराया जाता है, सो दैट दे फील यू कैन से दैट रिस्पेक्टेड और यू कैन से दैट मोटिवेटेड और जो टू कंटिन्यू द टेम्पो ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टीम्स और प्लेयर्स, दिस टूर्नामेंट इज कराया। और देन है कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट एंड लीग कम लीग टूर्नामेंट। एंड देन लास्ट वन इज चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट इज ए फॉर्मर चैंपियंस कीप देयर और टाइटल्स अंटिल दे आर डिफीटेड। जब तक जो प्ले जो चैंपियंस है वो चैंपियन ही रहेगा जब तक वो डिफीट नहीं हो जाता, दूसरे प्लेयर उसको चैलेंज कर सकते हैं। द अपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज चैलेंजर्स। जो उसको चैलेंज करते हैं अपोनेंट उसको चैलेंजर बोलते हैं। जब तक वो चैंपियन है वो डिफीट नहीं होगा, वो चैंपियन ही रहेगा। दिस इज चैलेंज टूर्नामेंट। सो गाइस दिस इज द टूर्नामेंट्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। जो ये टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें वन बाय वन डिसाइड करेंगे कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है वो होता क्या है, उसमें उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो स्टूडेंट्स इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, बी इन टच, रीड 5 और 10 मिनट्स डेली दीज
materials, any kind of materials you can read from YouTube, Google, where, internet, from where, etc., etc. Anywhere from where you can find. So, and give me feedback in our group, WhatsApp group, so that we can improve. So guys, good luck. Bye bye.